गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी थंबनेल देख के समझ ही गए कि आज हम लोग किस टॉपिक पर वीडियो बनाने वाले हैं। यह एक टेस्टिंग वीडियो है और हमने इसके पहले यूट्यूब पर सर्च मारा था कि कोई यूट्यूबर या कोई बंदा यू 2 ओम्स पे बेस को टेस्टिंग और वायरिंग रिव्यू किया है कि नहीं। तो हालांकि वीडियो हमें सर्च बार में तो नहीं मिला, लेकिन ये यूट्यूब पर साथ पहली बार ही हमने ये इसका फुल टेस्टिंग कर रहे हैं इसका। हम ये देखते हैं ये मतलब एम्पलीफायर और बेस कैसा रिस्पॉन्स देता है 2 ओम्स पे। हालांकि 2 ओम्स पे बेस चलाना अच्छा तो नहीं है, बट लेकिन एक बार हम लोग टेस्ट जरूर करेंगे अपने हिसाब से। इसे एक दो गाना प्ले करेंगे एम्पलीफायर का, क्या रिस्पॉन्स रहा और बेस कैसा चल रहा है, तो उसी हिसाब का हम लोग आज वीडियो बनाने वाले हैं। चलिए वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो चलिए आगे की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते चले कि हम इसमें कौन कौन सा एम्प यूज कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने इंडियाज़ मोस्ट पॉपुलर एम्पलीफायर जो MT सीरीज है, प्रोटोन की तरफ से आता है। ये MT-16 हम यूज कर रहे हैं और आपका हल्की मिड देने के लिए, ताकि आपको सॉन्ग का वोकल और लिरिक्स समझ में आ जाए। और उस हिसाब से हमने एक मिड के लिए रखा, जो ऊपर में छोटा टॉप जो आपने देखा था, और ये स्टेंजर का SM-20 और जो स्टेंजर की तरफ से आता है। अभी फ़िलहाल इसका अपडेट वर्जन भी आ चुका, जो अभी मेरे पास नहीं है। अगर वो आता है तो उसका भी एक वीडियो मैं दूंगा आपको। तो चलिए आपको वायरिंग समझाते हैं। हमने MT-16-01 का एक चैनल को यूज किया है। तो जैसा कि आप पीछे बैक पैनल देख लें, ये मैंने सिर्फ एक चैनल में इनपुट किया है, चैनल ए में। आप देख सकते हैं और हमने एक ही वायर पे ये वायर आपका सीधा बेस में आया है। आप देख सकते हैं हमने चारों बेस को, आप देख पा रहे होंगे, हमने चारों बेस को पैरेलल कनेक्ट किया है। आप देख सकते हैं ये हमारा मेन वायर है, हमने सीधा ये देखिए, आप ये देख सकते हैं इससे कि आपका ये भी इस बेस में और इस बेस में, मतलब चारों पैरेलल कनेक्ट किया हुआ, जो कि आपका 2 ओम्स बन रहा है। और जहां तक कि MT-16-01 की बात करें तो ये आपका 2 ओम्स पे 3600 वाट देता है। हमने 2 ओम्स पर ये आपका हमने 2600 वाट हमने दिया है। ये आपका जो बेस है, आपका अहुजा का 650 वाला बेस है, 650 EL जो आपका बेस का स्पीकर आता है, जो 4 इंच वॉइस कॉल में आता है। तो चलिए एक बार हम लोग टेस्टिंग भी इसका देख लेते हैं कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है, उसके बाद हम आपको इसका बताते हैं इसका एम्पलीफायर और बेस का कैसा रिस्पॉन्स रहा है। तो आपने वीडियो में देखा कि हमने MT-16-01 पर एक ही चैनल पर हमने 4 बेस को टेस्ट किया, जो कि हमारा ओम्स के हिसाब से 2 ओम्स पर रन हुआ, और वाटेज के हिसाब से हमने इस पर 3600 वाट हमने लोड दिया, और मेरा MT-16-01 जो है 2 ओम्स पे 3600 वाट देता है। हालांकि रिस्पॉन्स स्पीकर ने अच्छा दिया, बट लेकिन एम्पलीफायर का एक चैनल बहुत हार्ड गर्म हुआ। आप रिकमेंड में मतलब ये कहूँगा कि आप इसे
दोस्तों साइड से नॉइस आने का रीज़न ये है कि हमारा घर जो है सड़क किनारे है और अगल बगल सब खेती लगे आप जैसा कि देख पा रहे हैं, इसलिए थोड़ा साइड नॉइस आता है, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो दोस्तों हमने फाइनल ये आपको कहा कि मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप बेस को 2 ओम्स पे ना चलाएँ, कहीं किसी भी एम को कोशिश करें कि आप 4 ओम्स पे रन कराएँ, हालांकि टॉप तक चलता है लेकिन बेस को 2 ओम्स पे ना चलाएँ। तो दोस्तों फाइनली आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, धन्यवाद।